नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी आपत्तिजनक थी, उन्हें पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी आपत्तिजनक, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी। तो आपको बता दें, सरनेम जो मोदी को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, उस पर याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई है और अब आगे का दरवाजा राहुल गांधी को खटकाना होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर जो याचिका खारिज की गई उस पर 2 साल की सजा है और लगातार बीजेपी इस पर प्रहार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी, उनकी टिप्पणी आपत्तिजनक थी। तो मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी आपत्तिजनक। आपको बता दें, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी, रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मानहानि केस में राहुल गांधी अद्यतन अपराधी, जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद ने कहा। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, उनको पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की, राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। इस प्रकार से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर कहा। वीर सावरकर को लेकर राहुल के दिल में नफरत है, तो राहुल गांधी को लेकर रविशंकर प्रसाद ने तमाम बातें बोली और कहा मोदी सरनेम पर राहुल की टिप्पणी आपत्तिजनक है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी। रविशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज याचिका उनकी खारिज कर दी गई है, माफी याचिका, और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि राहुल हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए, मोदी सरनेम को लेकर राहुल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले गुजरात की कोर्ट ने इस बात पर सुनवाई की थी, वहां से माफी याचिका खारिज कर दिया था, उसके बाद आज याचिका खारिज कर दी गई है। संबल जिले के सराय तैरीन की हड्डी सिंह फैक्ट्रियों पर प्रशासन की कार्रवाई पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने कड़ा विरोध किया है। एसपी ने पकड़े गए 10 लोगों को छोड़ने एसपी सांसद ने पकड़े गए 10 लोगों को छोड़ने और हैरेसमेंट को बंद करने की मांग उठाई है। सांसद ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। यही नहीं, उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरह मुसलमान यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि देश सभी का है और लोगों को बेरोजगार बनाने की कोशिश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सीन के कारोबार से लगे हुए हैं, उसमें हिंदू मुसलमान कोई भी है, बहरहाल वो सब मिलजुल कर काम करते हैं। और ये बाहर से सीन बाहर से आता है, साप्ते में आता है, ट्रेन से भी आता है और ऑटो से भी आता है। तो ये सारा सामान ये आता है इन हालात में, ये जो कुछ भी उससे माल तैयार करते हैं तो फॉरन तक जाता है और इससे सारे लोगों का रोजगार चल रहा है। अगर इनको इस तरीके से मतलब ये हरस किया जाएगा तो इससे सारी आबादी जो सरातरीन की है भूखी मरने लगेगी और एक मसला पैदा हो जाएगा। के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने सोशल मीडिया के फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर चिंता जाहिर की है और कहा कि गोमती नगर का विस्तार अराजकता का क्षेत्र बना, क्योंकि लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण करके अवैध कब्जा कर लिया है जिसमें वह अपने जानवर और कुत्ते बांधते हैं। तो वहीं एक बार एक कुत्ते ने युवक पर हमला कर दिया तो डंडा मारकर अपनी जान बचाई। वहीं युवक के शिकायत पर ना एलडीए में सुनवाई हुई और ना पुलिस से कोई ठोस मदद मिली है। रायबरेली में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है, जहां अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है
और आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं। आपको बता दें सदर तहसील इलाके के मलेरिया थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की मौत हो गई, तो वहीं तहसील में भदोकर थाना क्षेत्र में धान की रोपाई कर रही महिलाओं के समूह पर बिजली गिर गई, जहां एक महिला की मौत हो गई और अन्य महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई हैं। साथ ही सलोन तहसील में भी एक व्यक्ति आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे संबंधित SDM सदर ने घायलों का हाल जाना है और उचित व्यवस्था कराने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। तहसील सदर के दो लोगों की मौत हुई है, एक संधिराम गांव के हैं और एक सराय दामो के हैं, और तीन लोग जगदीशपुर के घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति अभी खतरे से तो बाहर बताई जा रही है, पर इनका इलाज चल रहा है और उस पर हम भी नजर रखेंगे कि इलाज इनका। गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी सदस्य उमेश राय उर्फ गोरा राय की 4,60,00,000 अचल बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। वहीं पुलिस की तरफ से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के घर पर भी कुर्की की गई, नोटिस चिपका दिया गया है। मिर्जापुर में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की तरफ से पर्यटन स्थलों की साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत खड़ंजा फाल पर जिलाधिकारी के निर्देश के तहत देश के चौथे स्तंभ की एक टीम की तरफ से भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया गया। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पर्यटन स्थल पर शराब के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कि हमारे द्वारा मेरे द्वारा सपरिवार कुशेरा फॉल्स में सफाई की गई थी, और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा चौथा स्तंभ जो है उसने भी, जिसका कार्य नॉर्मली ये समझा जाता है कि वो सच्चाई दिखाते हैं, परंतु आज उन्होंने सच्चाई बदलने का भी काम किया है। और खड़ंजा फॉल्स में जहाँ पे गंदगी थी उन्होंने खुद लग के फोटोज वीडियोज भी हैं, बहुत अच्छी सफाई करी और वो पूरा क्षेत्र पूरा साफ हो गया। मेरा सभी लोगों से अपील है कि अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा इस तरह से अभियान में शामिल होगा तो बहुत हम अपने सारे झरनों को सारे जगहों को बहुत साफ रख पाएंगे। क्या नाम है आपका? योगी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं, किस मोहल्ले का नाम, जो इस समय आप खड़े हैं, क्या किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ सब पिकनिक मनाने वाले आवत हैं, वाले। तो अभी सुना जाता है, काफी हम लोग भी अभी देखा है कि लोग शराब पीकर बोतलें फेंकते रहते हैं, तो शराबी वाले वो लुक्कड़ होते हैं जो कि पीकर फेंका फेंक रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये गलत करते हैं या सही करते हैं? गलत है, इनको रोक लगाना चाहिए। हाँ, रोक लगाना चाहिए, कहीं तो शराब मुर्दा यहाँ बनाना खाना है तो अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु। साधु जी, बताइए कि यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, जो पानी आता है अच्छा लगता है, पर यहाँ पे जो शराब पी के लोग बोतलें फेंकते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत करते हैं, बहुत यहाँ गंदा चीज होता है, बहुत यहाँ लोग आते हैं, अच्छे अच्छे आदमी आते हैं यहाँ, उनके लिए क्या जो शराब पी के यहाँ पर जो बोतलें फेंकते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके लिए क्या रोक लगानी चाहिए? हाँ, रोक लगाना चाहिए। ने देखा कि जिस तरह से लोगों को भी आक्रोशित है इस बातों के लेकर कि जो आके शराब पीते हैं और यहाँ बोतलें फेंकते हैं, महिलाएं भी आती है, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उस समय ये जो एक बहुत शर्मनाक की बात होती है कि वहाँ पर जो शीशा लोगों को धस जाता है, छोटे छोटे बच्चों को धस जाता है, महिलाओं को धस जाता है। ये झालावाड़ ACB की टीम ने गुरुवार को जिले के चौमहला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके की रावण गुराड़ी पंचायत की NM संगीता राठौर पर 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों दबोच लिया। ACB टीम के मुताबिक आरोपी ANM संगीता राठौर इलाके की आशा सहयोगिनी से पिछले महीने के कार्य की उपस्थिति पर हस्ताक्षर करने, रिकॉर्ड सही करने और मानदेय भुगतान की एवज में रिश्वत राशि मांग रही थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा के यमुनानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने छचरौली मार्केट कमेटी में ऑक्शन रिकॉर्डर मलकीत सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जहां ACB उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मंडी के आड़ती गुरचांद सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, तो वहीं विजिलेंस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि मलकीत सिंह ने आड़ती गुरचांद से लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर 50,000 की मांग की थी।
लेकिन डील 30,000 में जो डील फाइनल हुई, जिसके बाद टीम ने आरोपी मलकीत को रगे हाथों और रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। नोएडा के सेक्टर 168 के शांति इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के बाल काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस और स्कूल प्रशासन ने मामले की कार्रवाई करते हुए महिला टीचर को स्कूल से बाहर किया। साथ ही महिला टीचर ने बच्चों से भी माफी मांगी है। बिजनौर के निजातपुरा गंज इलाके में मकान की कच्ची दीवार गिरने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में युवती की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सामने शेर पंजाब होटल के बाहर जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, होटल पर खाना खाने आए तीन युवकों की होटल कर्मियों से मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद होटल कर्मियों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रयागराज में होटल कर्मियों में कहासुनी हो गई, उसके बाद जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन के सामने जनपी, ये देखिए तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मारपीट हुई होगी। हाथों में छड़ी लेकर एक पर वार करता हुआ, और अंदाजा लगा सकते हैं होटल कर्मियों से कहासुनी होने पर यह मारपीट हुई। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, संज्ञान में लिया है, और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर खाना खाने आए युवकों को जमकर पीटा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रात की बताई जा रही है तस्वीरें। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस प्रकार से मारपीट वहां पर हो रही है। हापुड़ के सरकारी अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, अस्पताल में करीब 2 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे मरीजों का हाल बेहाल हो गया। तो वहीं बिजली ना होने की वजह से मरीजों का इलाज मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में किया गया। इतना ही नहीं, ब्लड सैंपल लेने के लिए भी मोबाइल की टॉर्च से काम चलाया गया। अस्पताल में बिजली की व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जिससे आए दिन अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 2 घंटे तक बिजली नहीं रही, और ये देखिए मोबाइल की रोशनी में ही सारे काम किए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से वहां पर हाल होंगे और मरीजों को किस प्रकार से वहां पर सुविधा मिलती होगी, इलाज मिलता होगा। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी से इलाज उपलब्ध कराने में अग्रणी, जहां अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने 100 सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें, उपलब्धि हॉस्पिटल के जरिए उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। यह क्षेत्र का एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठित निजी अस्पताल है जहां कैडबरिक यानी कि लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। तो वहीं गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम सिब्बल ने अस्पताल की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए बताया कि अपोलो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने वाला दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स में एक है। औरैया के थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशी करने वालों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं घायल को सीएससी बिधुना के इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसको सैफई के लिए रेफर कर दिया है।
तो आप देख सकते हैं पुलिस और गौकृषि तस्कर के बीच में मारपीट हुई है, मुठभेड़ हुई है और देखा जा रहा है तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। घायल को सैफई रेफर कर दिया गया है, पहले विधुना रेफर किया गया था, उसके बाद सैफई रेफर कर दिया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है। मुठभेड़ में एक पुलिस वाला घायल हो गया है और ये आपको बता औरैया की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल, मौके से दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस हालत में तस्कर है और इसको अब सैफई रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है जिससे और कड़ियों को खंगाला जा सके। तो पुलिस और गोकशि तस्कर के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली औरैया में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये मुठभेड़ हुई जिसमें गौ तस्कर को गोली लग गई है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सैफई में ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। सब्जियों और फलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे महंगाई की आम जनता की कमर तोड़ दी है। टमाटर, नींबू, धनिया, भिंडी, सेब सहित कई सब्जियां और फल के दाम सातवें आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी सरकार इसे सीजनल महंगाई बता रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। महंगाई से सबसे बड़ा असर देश की आम और गरीब जनता को पड़ रहा है जिसके कारण से उनका बजट बिगड़ रहा है। प्रदेश के नागरिकों ने सरकार से महंगाई कम करने की बात की, महंगी हुई सब्जियों के दाम करने के लिए मांग की है। असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बरसात के कारण अत्यधिक बरसात भी हुई होगी, मतलब बेमौसम की बरसात, उससे कुछ फर्क पड़ा है, झेलना तो पड़ेगा। आना तो इस समय तो बारिश का समय है, मौसम कई दिनों से खुल नहीं रहा है जिसके कारण बरसात के कारण मौसम में सब्जियां जो है खराब हो चुकी हैं। प्लस आप देख रहे हो कि महंगाई भी बढ़ रही है, साथ साथ देश में और प्रकार और चीजें भी बढ़ रही हैं। डीजल पेट्रोल के भी दाम ले लो आप, गाड़ियों के दाम ले लो, ठीक है। दूसरी चीज देख लीजिएगा, गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी दे रही है, कहती है भाजपा सरकार करती है 9 साल 100 मिसाल। आप ये बताइए 9 साल टमाटर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमारी डेली यूज की बेसिक नीड है, तो सब्जियों का तो एक्सपेंसिव हो ही रहा है डेली बाय डेली और महंगाई तो बढ़ी रही है। आदमी यार मिडिल क्लास भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, 120 रुपए किलो टमाटर होना तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो अफोर्डेबल नहीं है। क्या कहना चाहिए, थोड़ा दाम कम होने चाहिए? दाम तो डेफिनेटली कम होने चाहिए, टमाटर का तो बहुत ज्यादा समझ से परे है। पिछले 9 सालों में जो वादे इस देश की जनता से किए गए, पहले कहा गया कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी आ गई, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, अब तो कोरोना सिमट गया, खत्म हो गया और सारे देश अपनी पटरी पर भी आ गए और अब इसको मौसमी महंगाई कहा जा रहा है कि कुछ दिनों की महंगाई है उसके बाद ठीक हो जाएगी। हम ये जानना चाहते हैं कि कब हमें ऐसा मौसम आएगा जब हमें पेट्रोल डीजल या गैस या खान पान की चीजों में राहत भी दी जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम भी होती है तब भी हम लोगों के ऊपर इसी तरह से महंगाई का वार देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब महंगा होता है तो फिर कभी कह दिया जाता है कि मैं प्याज नहीं खाती, कभी कह दिया जाता है मैं लहसुन नहीं खाती, तो आप खाएं ना खाएं लेकिन देश की जनता जिन मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो है आलू प्याज टमाटर, अगर ये भी गरीब जनता की जेब से बाहर कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर नैतिकता के आधार पर ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। देहरादून में बढ़ती महंगाई और सब्जियों के दामों के लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कैंप कार्यालय से लेकर घंटाघर तक महंगाई को लेकर मार्च निकाला और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। हमेशा बहाने मारना, सब्जी के लिए उनको लग रहा है सीजनल सीजनल है। आप बताइए गैस के सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन है, आटे के लिए, चावल के लिए, दालों के दाम बढ़े उनके लिए कौन सा सीजनल ये सरकार बता रही है, ये सिर्फ बहाने करती है। आज जो सब्जियों के दाम बढ़े ये सीजन की वजह से नहीं बढ़े, ये जो सरकार की पॉलिसी है जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसकी वजह से बढ़े हैं और ये सरकार हमेशा बहाने मारती है। अगर इनको पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।